यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 055588 अमृत भारत स्पेशल दरभंगा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। सो जय माता दी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस के फर्स्ट इनॉग्रल जर्नी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगी हुई अपनी ब्रांड न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस अपने अयोध्या कैंट पे अभी लगी हुई है, और आज इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीन फ्लैग दिखा के इसे रवाना करेंगे। और ये पहली बार चलने वाली है भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से अपने मिथिला की राजधानी दरभंगा के बीच में। तो चलिए आपको अब अमृत भारत का इंटीरियर दिखाते हैं कैसा है, आइए। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अपने अमृत भारत एक्सप्रेस का स्लीपर कोच का ये इंटीरियर है, और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव है, अपने आई प्लीजर कलर है। नॉर्मली जो ट्रेन रहती है उसमें ब्लू कलर का यूज किया जाता है, बट आप इसका देख सकते हैं क्या कलर कॉम्बिनेशन है। और दोस्तों आपको इसका थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा चेंजिंग किया गया है इसके इंटीरियर में, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यह देख लीजिए, सबसे पहले तो ये आपको दिया गया है इस तरह से, जैसे थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में दिया जाता है वाटर होल्डर, वैसा कुछ टाइप का दिया गया। और ये सीट का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी थर्ड एसी इकोनॉमी का ही है। यह देख लीजिए, ये जो फ्लोर पे बना हुआ ये आपको रात में डिस्टर्ब ना हो इसके लिए, ये रास्ते के लिए, ये देख सकते हैं ये रात में ग्लो करता है ये कलर, इस वजह ये भी अपने थर्ड एसी इकोनॉमी में ही रहता है। और यह देख लीजिए थर्ड एसी इकोनॉमी जैसा है, यहाँ पे वॉश बेसिन भी दिया गया है, और फुट पैडल यहाँ दिया हुआ है, पैर से प्रेस करने पर यहाँ पानी निकलेगा। ये अपना मिरर, ये कुछ जो है इसका लुक वो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के जैसा ही है। और यह देख लीजिए इसका वॉशरूम जो है वो एकदम वंदे भारत से इंस्पायर्ड है। यह देख लीजिए, आपने वंदे भारत में अगर देखा है वॉशरूम तो आपको पता चल जाएगा ये वैसा ही कुछ है, अपने वंदे भारत से फुल इंस्पायर्ड होकर ये बनाया गया है। यह देख लीजिए इधर डस्टबिन कितना छोटा दिया गया, पता भी नहीं चलता है, बस आपको यहाँ पर लिखा हुआ है डस्टबिन, ऐसे करके ये खुल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह देख लीजिए, ये दो कोच के बीच का जो जॉइंट है ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही आपको वंदे भारत के जैसा दिया गया है, आम ट्रेनों के जैसा नहीं दिया गया है। इससे क्या होगा कि एक कोच से दूसरे कोच में इंटर करने में पैसेंजर को प्रॉब्लम नहीं होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर नॉइज़ भी बहुत ही कम आएगा, एयर ड्रैग भी बहुत ही कम हो जाएगा। कुछ यही सब चेंजिंग किए गए हैं इस अमृत भारत ट्रेन के स्लीपर कोच के इंटीरियर में, और नॉर्मल कोच को ही थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया गया है और अमृत भारत बनाया गया है, और लुक वाइज बहुत ही अच्छा है। और साथ में साथ इसमें जो थोड़े थोड़े छोटे मोटे चेंजिंग किए गए हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन है, और इस वजह से ये अब नेक्स्ट लेवल कोच हो गया अपनी स्लीपर कोच। और यहाँ देख लीजिए चार्जिंग प्लग के साथ यहाँ मोबाइल होल्डर भी दिया गया है, और हर एक सीट के साथ यहाँ पर वाटर बॉटल होल्डर दिया गया है। ये अपर सीट का है, लोअर सीट का अलग दिया गया है, और इधर भी हर एक सीट पे सारा कुछ दिया गया है। वाटर होल्डर देखिए ऊपर भी दिया गया है, और इस साइड भी चार्जिंग प्लग जो है टोटल 6 दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 2 नीचे है, 6 सीट्स, 6 चार्जिंग प्लग, और साथ में मोबाइल होल्डर भी दिया गया है। और ये छोटा सा प्यारा सा मिरर, बहुत ही फर्स्ट इम्प्रेशन जो है इस कोच का लाजवाब है, बहुत इम्प्रेसिव है। देख लीजिए किस तरह से इसमें सुविधा दिया गया है अपने विकलांग गाड़ी को ट्रेन में चढ़ाने के लिए, दिव्यांग के लिए ये सुविधा है इस ट्रेन में, आप देख सकते हैं व्हीलचेयर को इस तरह से ट्रेन में बोर्ड करने के लिए दिया गया है। और ये देख सकते हैं अपनी, और आज सिर्फ हमारी अमृत भारत का ही नहीं इनॉग्रेशन रन है, आप देख लीजिए सामने अयोध्या दिल्ली आनंद विहार वंदे भारत भी लगी हुई है, उसका भी आज सेम एक ही साथ इनॉग्रेशन होने वाला है। और देख लीजिए ऐसा कुछ लुक है अपनी अमृत भारत का लोकोमोटिव जो कि अपनी वेव 5 है,
ड्यूअल लोकोमोटिव इसमें रहती है दोनों साइड। देखिए यहाँ पे उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के द्वारा सर्टिफिकेट भी सबको दिया जा रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है अमृत भारत में? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार बोलिए जय श्री राम। और यह देख लीजिए ऊपर से कैसी अपनी अमृत भारत देखने को लग रही है। ऊपर से भी अपनी ऑरेंज कलर का ही है, केसरिया रंग में इस ट्रेन को पूरा रंग दिया गया है। सो दोस्तों हमारी अमृत भारत निकल चुकी है अपनी अयोध्या कैंट से और अब हम लोग पहुंचेंगे अयोध्या धाम और हमारा जो इनॉग्रेशन होगा स्टार्ट वहीं से होगा। मेन स्टेशन वही है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से अपने ट्रेन को फ्लैग दिखाएंगे। हमें बोर्ड करने के लिए बस अयोध्या कैंट पे इस ट्रेन को लगाया गया था। और यह देख लीजिए नवनिर्मित अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का ये बिल्डिंग देख सकते हैं। और हमारी ट्रेन का फाइनली यहीं से होगा अपनी इनॉग्रेशन जर्नी शुरू। यही है मेन रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पूरा यहाँ पे तैयारी किया गया रेड कारपेट डाल के और पूरे बिल्डिंग को भी सजा दिया गया। बहुत ही बड़ा ये रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग बनाया गया, ये नया बिल्डिंग है जो आप देख पा रहे हैं अभी। पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर में इसे बनाया गया है, मंदिर के डिजाइन में। और आगे है इसका पुराना वाला रेलवे बिल्डिंग। आज वो तो हमारी अमृत भारत में सिर्फ हम ही नहीं, हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी आज इसी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं। आज वंदे भारत भी इनॉग्रेट हो रही है बट सभी यूट्यूबर इसी में आए हैं क्योंकि आज ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी का है अमृत भारत का, क्योंकि ये फर्स्ट अमृत भारत है। वंदे भारत तो बहुत सारी चल चुकी है। और देख लीजिए आज हमारी ट्रेन का जो स्पेशल नंबर है 0558 है बट इसका रेगुलर नंबर जो होगा 1558 होगा। और ये हमारी ट्रेन चलेगी अभी अयोध्या से दरभंगा के लिए बट इसका कमर्शियल रन जो होगा वो होगा दरभंगा से अयोध्या के रास्ते अपनी आनंद विहार के बीच में। सो फाइनली दोस्तों अयोध्या धाम से हमारी अमृत भारत निकल चुकी है, हमारी अमृत भारत निकल चुकी है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन फ्लैग दिखा के हमारी ट्रेन को रवाना कर चुके हैं और साथ ही साथ मालदा से बेंगलोर के लिए भी अमृत भारत चली है, उसे भी ग्रीन फ्लैग दिखा दिए हैं यहीं से डिजिटली। और इस रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन अभी अभी जस्ट हुआ है, देख लीजिए। ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन है इसका उद्घाटन भी आज किए हैं। जय हो नरेंद्र मोदी जी, ये हैं अपने प्रधानमंत्री देश के, जय हो। हाँ दिखा के अभिवादन कर रहे हैं, ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। और यहाँ देख लीजिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, बाय बाय अयोध्या धाम, जय श्री राम, जय श्री राम। देख लीजिए ट्रेन के लिए क्या भीड़ है, ओह माय गॉड। यह देख लीजिए सभी अपने घर के छतों पे खड़े होके इस ट्रेन को देख रहे हैं। जय श्री राम। दोस्तों हमारी इस अमृत भारत के अलावा एक और अमृत भारत चली है जो मालदा से बेंगलोर के बीच में चलेगी, वो भी वीक में 2 दिन चलने वाली, उसका भी इनॉग्रेशन आज ही हुआ है डिजिटली यहीं से हुआ है। और साथ ही साथ 6 वंदे भारत ट्रेन का भी इनॉग्रेशन आज हुआ है जिसमें से एक अपनी अयोध्या से आनंद विहार के लिए जा रही है, दोनों का साथ में यहाँ होगा। एक अमृतसर से भी दिल्ली के लिए चल रही है और भी 4 वंदे भारत हैं जो आज ही इनॉग्रेट हुई है। तो एक साथ आज 8 ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है जिसमें से 2 अपनी अमृत भारत है, पहली ये दूसरी मालदा वाली।
भाई साहब यह देख लीजिए अयोध्या के नज़ारे। ये हम लोग स्किप कर रहे हैं राम घाट को, जस्ट इसके बाद आ जाएगा सरयू नदी। यही वो पावन नदी है और सामने देख लीजिए घाट। जय जय श्री राम। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि आज सिर्फ ट्रेन का ही नहीं अयोध्या एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है। अपनी अमृत भारत में देख लीजिए विकलांग लोगों के लिए ना एक स्पेशल वॉशरूम बनाया गया है और इसका गेट देखिए कितना अच्छा दिया गया है। इस तरह से ये दो फोल्ड हो जाता है, डबल फोल्ड, और कितना स्पेसियस हो जाता है। इसमें व्हीलचेयर आराम से इंटर कर सकता है और देख लीजिए, और ये क्लोज करने का भी कितना ईजी है। क्लोज करके दिखाओ भाई, इसे बस ऐसे करके करना है, ये क्लोज हो जाएगा। खोलो खोलो अंदर का, आप देख सकते हैं अंदर का इंटीरियर आप इस वॉशरूम का। सो दोस्तों आज इनॉग्रेशन जर्नी है तो हमें इसमें मील भी दिया गया है, तो ये देख लीजिए आज का मील। वैसे कमर्शियल रन में तो नहीं मिलेगा लेकिन आज इनॉग्रेशन जर्नी इसलिए मिला है। देख लीजिए ये पैकेट ऐसा है, ये ओपन हो चुका है। ओपन में देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। और हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है मनकापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ भी देख लीजिए इस ट्रेन के स्वागत में कितने आदमी आए हुए हैं। जय श्री राम। सो दोस्तों देख लीजिए हमारी ट्रेन का वेलकम के लिए मनकापुर में कितना भीड़ है भाई साहब। हमारी ट्रेन ये फर्स्ट हॉल्ट ली है मनकापुर, इसका कॉमर्शियल हॉल्ट भी यहाँ रहेगा मनकापुर। दोस्तों मनकापुर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है अपने बाराबांकी के रास्ते लखनऊ, इसलिए। और हम लोग आए अभी अयोध्या से, दोनों लाइन यहाँ मिल जाती है। अभी आगे बस्ती के रास्ते गोरखपुर चले जाएंगे। और देख लीजिए नई ट्रेन में अंदर जाके देखने के लिए कितना भीड़ हो चुका है, पूरा गेट जाम, इतना पब्लिक अंदर जा रहा है देखने के लिए इस ट्रेन में, क्योंकि इसका गेट तो हमेशा ओपन होता है। कैसा है ट्रेन? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जी। आप लोगों को कैसा लगा ट्रेन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ना। चलिए निकल चुकी है हमारी अमृत भारत फाइनली मनकापुर से। जय श्री राम। सभी स्टूडेंट यहाँ पे उतर चुकी हैं। जय श्री राम। जितने भी मनकापुर जंक्शन, मनकापुर के वासियों बहुत खुश हैं। दोस्तों मनकापुर में बहुत सारे पैसेंजर भी इसमें बोर्ड कर गए हैं जो आगे तक सफ़र करेंगे, इन्हें आगे सेकंड सीटिंग में भेजा जा रहा है। बस्ती में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। बस्ती के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है हमारी अमृत भारत। लोग सभी हैं मस्ती में, आ गए हम बस्ती में। जी हाँ दोस्तों हमारी अमृत भारत आ चुकी है बस्ती रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन का कमर्शियल रन में भी हॉल्ट रहने वाला है। और 3 नंबर पे आई है भाई साहब, क्या मजेदार स्पीड ली है। डबल इंजन होने के वजह से इसका स्पीड इतना अच्छा है, इतना एक्सीलरेशन फास्ट है इसका। मनकापुर के बाद तो एकदम तूफान की रफ्तार में आई है अपनी बस्ती ये ट्रेन। तो आपको बस्ती का थोड़ा डिटेल दे दूँ। बस्ती जो है वो ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था भगवान श्री राम के समय में, और ये पूरा एरिया उनका आश्रम का एरिया था, इसलिए इस शहर का नाम बस्ती पड़ गया। चलिए तो हमारी अमृत भारत निकल चुकी है अपनी बस्ती से, और हमारी ट्रेन का स्पीड आप देख लीजिए क्या गजब रफ्तार में चल रही है। 100 प्लस की स्पीड में अभी चल रही है फिलहाल। नई दिल्ली
सफर, जिसके साथ हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हो रही है। खड़गपुर जंक्शन में आपका स्वागत है दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है हमारे इस ट्रेन के नए गार्ड सर। यहाँ पे चेंज होंगे, पूरी हुई सबकी चाहत, आ गई हमारी अमृत भारत अपने गोरखपुर में। जी हाँ दोस्तों, हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है गोरखपुर जंक्शन। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे अपनी गोरखनाथ टेम्पल है। ये अपनी वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म यही गोरखपुर का है, और जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हमारी ट्रेन आई है यही वो प्लेटफॉर्म है। और यह देख लीजिए गोरखपुर में कितने सारे स्टूडेंट हैं जो अब इस ट्रेन में बोर्ड होने वाले हैं अपने गोरखपुर से। तो 21 घंटे 35 मिनट का समय लेके ये 17 हॉल्ट के साथ अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से आनंद विहार के बीच में 2 दिन चलने वाली है, एक सोमवार को और एक गुरुवार को चलने वाली है। वही आप आनंद विहार से अगर इस ट्रेन को बोर्ड करना चाहते हैं तो मंगलवार और शुक्रवार को आपको ये ट्रेन मिल जाएगी। दरभंगा से ये 3 बजे निकलेगी और आनंद विहार से 3:20 पर निकलेगी। और यहाँ देख सकते हैं राम जी का पूरा एकदम बनाया गया पोस्टर। यहाँ पे सभी डिवोट कर रहे हैं, तो गोरखपुर में ही इन्हें ये नाश्ता बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं सभी को जो डिवोट कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये अपना यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस पे लिखा भी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको इस अमृत भारत एक्सप्रेस का सेकंड सीटिंग का कोच दिखा देते हैं, जिसे जनरल कोच बोलते हैं सभी। यह देख लीजिए अपने इस जनरल कोच का इंटीरियर, कलर कॉम्बिनेशन तो सेम है और सीट का अरेंजमेंट देख लीजिए। और ये आपको जैसे अंत्योदय एक्सप्रेस में दीन दयालु को जो आता है जनसाधारण में या फिर अंत्योदय में, वैसा कुछ इसका सीट दिया है। ऊपर भी इसका कुशनिंग किया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है इसका जनरल कोच भी। देख सकते हैं अभी खाली है और हम लोग निकल चुके हैं गोरखपुर से। बाय भैया हिमांशु भैया, बाय। सर आप बताइए कैसा आपको लग रहा है इस ट्रेन का ये इंटीरियर जनरल कोच का? बहुत अच्छा बना रखा है इसमें। एक मिनट बहुत अच्छा बना रखा है, क्योंकि अभी तक के जो भी आज तक की जो ट्रेन, जैसे कि मान लीजिए इस रूट में बहुत सारे, जैसे कि इस रूट का सबसे बढ़िया ट्रेन है जो गोरखधाम जो हमेशा दिल्ली जाती है, उसका इंटीरियर जनरल से अच्छा है, बहुत अच्छा है। उससे उसमें तो बहुत कचरा कर रखा है, लेकिन आज जो इसका ट्रेन का नया लुक कर रखा है इसने, उसके बाद से इसका जो सीट वोट और जो भी है बहुत अच्छा बना रखा है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका कोच वगैरह जो और इसका कलर वगैरह है काफ़ी बेहतरीन है। और ये लगी हुई है गोरखधाम सुपरफास्ट, गोरखपुर की शान। और देख सकते हैं हमारे अमृत भारत में अपने IRCTC स्टाफ का ड्रेस केसरिया रंग का दिया गया है, और साथ में पगड़ी भी पहने हुए हैं। तो ये रहा अपना शाम का चाय IRCTC। तो दोस्तों नरकटियागंज जंक्शन पे आपका वेलकम है। सो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग समस्तीपुर डिवीज़न के अंदर आने वाली अपनी नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है अपने कमर्शियल रन में। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अब बहुत चौड़ा इसका दोस्तों प्लेटफॉर्म है, और ये जो है नरकटियागंज ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि हम लोग आए हैं अभी इधर कप्तानगंज गोरखपुर की तरफ से तो आए हैं, और चले जाएंगे रक्सौल की तरफ। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन चली जाती है अपनी डायरेक्ट मोतिहारी की तरफ। और देख लीजिए रात के इस रोशनी में हमारी अमृत भारत कितनी चमक रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये अपनी अमृत भारत। वाह, इसका बहुत ही सोच समझ के कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा कलर है दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अंदर का इंटीरियर का भी कलर बहुत बेहतरीन है, और बाहर का भी बहुत ही लाजवाब कलर दिया गया है। बस यही आग्रह है यात्रियों से
कि इस ट्रेन को मेंटेन करके हमेशा रखे, ज़्यादा इसे नुकसान ना पहुँचाए। तो चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है नरकटियागंज से। नरकटियागंज में जो हमारे लिए डिनर यहाँ पे ट्रेन में चलाया गया था, उस डिनर में आज ये है, देख लीजिए यहाँ पे पनीर का सब्जी, ये छोटू रसगुल्ला, दाल अपना सूखा सब्जी, चावल, और ये है चार छोटे छोटे कचौरी। तो ये भी टेस्ट तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि दिन का भी खाना बहुत टेस्टी था। देख लीजिए अमृत भारत एक्सप्रेस में खाना जो है वो सिर्फ हमारे यात्री के लिए नहीं था, यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म पे जितने यात्री थे अपने रक्सौल में सभी को यहाँ बांट दिया गया है, सभी यहाँ अपने अमृत भारत का ही खाना खा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ बाबा भी हैं, पूछते हैं बाबा से कैसा लग रहा है खाना। खाना कैसा लग रहा है? और लीजिएगा, चलिए आपका आशीर्वाद रहा, हमारा वीडियो वायरल होगा, राम जी आपका भला करे मेरे। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि यहाँ पे यात्रियों को, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मुफ्त खाना दिया गया रेलवे द्वारा अपनी इस अमृत भारत एक्सप्रेस के चलने के खुशी में। और यहाँ और खाना यहाँ स्टॉल वाले को दे दिया गया ताकि और सभी को बांट दिया जाए जो भी यात्री आए रात में। तो चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन निकल चुकी है रक्सौल से, अब यहाँ से भी हमारी ट्रेन का प्रस्थान हो चुका है अमृत भारत एक्सप्रेस का। जय श्री राम। देख लीजिए रात के 10 बजने वाले हैं और कितना भीड़ यहाँ आया है इस अमृत भारत के लिए, जन सैलाब देखिए। जय श्री सीतामढ़ी जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस आ चुकी है रात के 9:45 बजे अपने सीतामढ़ी जंक्शन पे। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव, जय जय सिया राम। और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ये मूर्ति बना हुआ अभी दिख जाएगा जो दर्शा रहा है किस तरह से माँ सीता को राजा जनक जी ने खेत से हल जोत के प्राप्त किया था, माँ सीता की जन्म हुई थी यहाँ धरती से। और यह देख लीजिए अपना सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन किस तरह का है अपनी बाहर से, वो आओ काफ़ी खूबसूरत लग रही है दोस्तों रात में। जय माँ जानकी। सो दोस्तों, ये मिल चुका है हमें अपने इस अमृत भारत एक्सप्रेस में गिफ्ट, इनॉग्रेशन जर्नी का ये गिफ्ट। चलिए आपको दिखाते हैं इस थैले में है क्या। देख लीजिए ये फाइल है इस थैले के अंदर, और इसमें है अपना एक ये पेन और स्वामी विवेकानंद जी का ये फोटो के साथ अपना एक डायरी, और ये डायरी है अपना लेटेस्ट 24 का। चलिए एक मेमोरी के तौर पे ये अमृत भारत ट्रेन का ये गिफ्ट मिल गया हम लोग को। दोस्तों, हमारे इस अमृत भारत ट्रेन का किराए की बात करें तो आपको 600 रुपये लगेंगे पूरे दरभंगा से आनंद विहार तक का फुल जर्नी करने में अपने इस स्लीपर कोच में, और जनरल का भी फिलहाल पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दे दूंगा। सो दोस्तों, मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा में हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस आ चुकी है रात के 12 बजे। जय श्री राम, जय श्री राम। आधी रात में देख लीजिए दरभंगा में जोश इस अमृत भारत ट्रेन के लिए, जोश का बहुत ही हाई है दोस्तों। वाह, देख लीजिए यहाँ कितना अच्छा प्रोग्राम रखा गया है दरभंगा में। जय श्री राम। चलिए तो दोस्तों, हम लोग फाइनली रात के 12 बजे पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन, हमारी ट्रेन की डेस्टिनेशन अपने दरभंगा जंक्शन। और देख सकते हैं सभी यहां प्रणाम कर रहे हैं ट्रेन को, क्योंकि
ये सिर्फ ट्रेन नहीं है दोस्तों, हमारे मिथिला वासियों के लिए एक फीलिंग्स है, क्योंकि ये अयोध्या से आई है दोस्तों ट्रेन। अयोध्या के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिली हमारी दरभंगा को। यह देख लीजिए दोस्तों मिथिला वासियों में कितना जोश है, देख लीजिए पूरा दरभंगा रेलवे स्टेशन भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। ओह वाह, देख लीजिए कितना भीड़ है अपना दरभंगा में। अरे भाई साहब यह देखिए चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का अयोध्या से दरभंगा तक का। मिलते हैं जल्द ही इसके कॉमर्शियल रन में जो कि 1 तारीख को होने वाली है दरभंगा से ही। तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे कृष्णा एंड जय हिंद।